यूपी सरकार की गाज लगातार भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर गिर रही है। अब एक बार फिर सरकार ऐसे अधिकारियों को जबरन रिटायर कर रही है। 50 साल की उम्र पार कर चुके लापरवाह जिलाधिकारियों को रिटायर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में है। हर लापरवाह और कामचोर अधिकारियों पर लगातार गाज गिर रही है। ऐसे अधिकारियों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। अब यूपी सरकार ऐसे कई अधिकारियों को जबरन रिटायर भी कर चुकी है। अब एक बार फिर गाज गिरने की तैयारी हो रही है और भ्रष्ट अफसर सरकार के रडार पर हैं। अब यूपी सरकार ने 50 साल की उम्र पार कर चुके लापरवाह जिलाधिकारियों को रिटायर करने की तैयारी कर ली है और काम न करने वाले अधिकारियों को लेकर यूपी सरकार निर्देश भी जारी कर चुकी है। केंद्र की जो सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार की भी नीति है कि कोई भी जो है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे कहीं भी हो, अगर वह गलत करता है, वो लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी नीति पर चलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी बहुत सारे लोगों को इस तरह से जो है कि समय से पूर्व रिटायर किया है, बहुत लोगों को निलंबित किया है, बहुत लोगों को टर्मिनेट किया है, बहुत लोगों के खिलाफ जांच की कार्रवाई चल रही, उसी क्रम में यह निर्णय है। यूपी पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष सुलखान सिंह भी सरकार के इस काम को सराहनीय बता रहे हैं। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और ये नियमों में प्रावधान है कि जो डेड वुड हो गए हैं अधिकारी, जो जिनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई है, उनको 50 साल की आयु या 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। तो ये अच्छा कदम है और इसका सकारात्मक असर दिखाने को मिलेगा। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग के 28 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया। विभाग में भी ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर स्तर के तैयार हो रही है। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉल तैयार हो रही है। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की ठानी। पिछले 2 वर्षों में योगी सरकार अलग अलग विभागों के 200 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दे चुकी है। इन 2 वर्षों में योगी सरकार ने 400 से ज्यादा अफसरों कर्मचारियों को निलंबित भी किया है और उनका डिमोशन भी। किस विभाग में कितने नपे? गृह विभाग में 51 कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया। राजस्व विभाग में 36 अधिकारियों कर्मचारियों को रिटायरमेंट दिया गया। श्रम विभाग में 16, वन विभाग में 16 कर्मियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया। वित्त वाणिज्य कर और मनोरंजन विभाग के भी 16 लोगों पर गाज गिरी। दुग्ध विकास विभाग से 7, गन्ना विकास विभाग से 6 लोगों को रिटायरमेंट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कहीं अधिकारियों को घर रवाना किया, तो वहीं कई अधिकारियों का प्रमोशन भी रोक दिया। ऊर्जा विभाग में 169 कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी। बेसिक शिक्षा विभाग में 26, पंचायती राज विभाग में 25, ग्राम विकास विभाग में 15, दुग्ध विकास विभाग में 14, गन्ना विभाग में 11, लोक निर्माण विभाग में 18, परिवहन विभाग के 37 अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन रोके गए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करने वाली योगी सरकार ने सुस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को उम्र से पहले रिटायर करने का ऐलान जुलाई में किया था, जिसके तहत कई बड़े अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी रडार पर हैं। और अब एक बार फिर ऐसे कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। लखनऊ से संदीप खेर की रिपोर्ट, R9 TV।